लेकर आई बे? आलचीचिक बेटी, एक अच्छी खबर है, तुम उम्मीद से हो। क्या आप संजीदा हैं कारा बे? क्या मैं अब माँ बनने वाली हूँ? हाँ। और आख्ता मोर बाबा बनने वाले हैं? हाँ, इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह अलचिचिक, जब आख्ता मोर साहब ये सुनेंगे तो खुश होंगे, है ना? अल्लाह। खैर होगी इंशाल्लाह। अलचिचिक, तुम ठीक हो? खैर है मलहून खातून, खैर है। आलचिचिक बेटी अब माँ बनने वाली है। अल्लाह का शुक्र है, एक के बाद एक बच्चे आ रहे हैं। आलचिचिक, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह करे आप जल्द उसको अपनी बाहों में थाम सकें। आमीन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया। अब मुझे कबीले जाना चाहिए, वो इंतजार कर रहे होंगे मदद के सामान का। और वैसे भी तैमूरा वालिदा को खुशखबरी भी सुनानी है। यकीनन, तुम वहाँ अकेली नहीं जाओगी, मैं साथ सिपाही भेजूंगी। इसकी जरूरत नहीं है, सिपाही मेरा मैदान में इंतजार कर रहे हैं। तदबीर इख्तियार करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। गोरकुलुजे, सिपाहियों, मेरे बेटो, फतुहात की तरफ बढ़ने का वक्त है और हदफ हमारा हुयून हिसार है। उब्र हिसार ने इसनी की हाकिमियत दी हमें, माशाल्लाह। इंशाल्लाह हुयून हिसार की फतह बुरसा की हाकमियत हमें देगी, अगर अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जनाब, क्या हम जासूस भेज सकते हैं? आख्तमूर, बताओ जासूस कहाँ है हमारा? वो आता ही होगा जनाब। सही वक्त पर आख्तमूर से सवाल किया, हुयून हिसार के लिए जासूस रवाना कर दिया जाए। जनाब, जनाब, कोपरी हिसार हासिल करने से पहले कोई निसार फतह करने का इरादा है। अगर आप लोग मेरे मंसूबे और मेरे ख्वाबों के बारे में जान जाएं, तो आप रातों में सो नहीं पाएंगे। सच है वल्लाह। क्या सूरत हाल है जनाब? वो हमें नुकसान पहुंचाकर बहुत खुश हो रहे हैं। वो जश्न मनाने का सोच रहे थे, लेकिन कोपरी हिसार की फतह ने उस पर पानी फेर दिया। उन्होंने करीबी कबीलों और देहातों से सिपाहियों को कोइन हिसार मुंतकिल कर दिया और तेकफुर बुरसा चला गया। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और जनाब, ये कुछ नक्शे हैं। बस उन्हें इंतजार करने दो, जरा बस इंतजार करने दो, उन्हें डरने दो, उन्हें वक्त आएगा कि वो रातों में सो नहीं पाएंगे, यकीनन तबाह हो जाएंगे। जब वो इसकी तवक्को भी नहीं कर रहे होंगे, हुयून हिसार तुर्कों की मिल्कियत बन जाएगी। लेकिन इस सबसे पहले हमें बहुत कुछ और करने की जरूरत है।
भाई उन हिसार से इत्तेहाद करके बास लोग ऐसे भी हैं जो हमें मारने की कोशिश करना चाहेंगे। पहले उनका खात्मा करना जरूरी है। जनाब जनाब सिपाहियों ने खबर भेजी है, असरगिर खातून यानी शहर की तरफ जा रही है। सिपाहियों यानी शहर की तरफ जाएंगे। अच्छा गुजरे। दिन अच्छा हो। क्या ये हलाल है? दिन अच्छा हो। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ओ ये रेशम है क्या? क्या ये अच्छा है? ये कपड़ा बेहतरीन है। उस्मान साहब का शुक्रिया, यानी शहर में तमाम सामान बेहतरीन होता है। तो उस्मान साहब आपका अच्छा ख्याल रखते हैं। ये बताएं ताजिरों का क्या हाल है? वो जंग से बाज नहीं आते और वो हमेशा लोगों की भलाई को अपने जहन में रखते हैं। हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं वो। उस्मान साहब हमेशा ताजिरों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उनसे राजी हो। आप हमेशा उस्मान साहब की तारीफ करते हैं लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना। आपने क्या सुना खातून? बताएं आपने उस्मान साहब के बारे में क्या सुना? मैंने सुना कि वो ख्वाब देखते हैं। वो ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनकी वजह से लोगों पर मुसीबत आती है। लगता है कि आपने उनके बारे में दुश्मन से सुना है। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन ना किया करें। क्या जो मैंने सुना वो झूठ है? क्या उस्मान साहब अपने ख्वाबों की वजह से अपने लोगों पर बोझ नहीं डाल रहे? वो कौन सा ख्वाब है जो अवाम पर बोझ बन रहा है? एक तरफ नाइमान बागी और दूसरी तरफ बुरसा का तैकफू। एक तरफ कोनिया जिसे रोज हार जाते हैं। आपका खून बह रहा है लेकिन आप हमेशा लड़ते रहते हैं। जबान संभाल के बात कीजिए खातून। आपकी ऐसा कहने की जुर्रत कैसे हुई? मैं नहीं जानती कि आप कहां से आई हैं लेकिन ये सरहदी इलाका है। आप जिस तरफ भी देखेंगी दुश्मन नजर आएंगे हर तरफ। ये जुर्रत कहाँ से आती है? मेरे तारुफ के बाद जान लोगी। आप ऐसी गुल खातून हैं। आप मलहून खातून हैं ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम आपका हवेली में इंतजार कर रहे थे। मैं इस बाजार के तमाम लोगों से उस्मान साहब के बारे में जानना चाहती थी। और आप जानती हैं कि आप सलजूक रियासत की पाबंद हैं और सलजूक रियासत हमारी। जलाली, रियासत सलजूक में हर तरफ एलची भेजो, अपना तख्त वापस लेंगे। हमें यहां पर अपने वफादार सिपाही चाहिए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान
जब सिपाही सरहदों पर जाएंगे, जिसने आपको तख्त से उतारा है उससे बदला जरूर लेंगे। कसम खाती हूं कि हम उन सबको मार डालेंगे। हमारी रहमत में जीने वाले अब हमारे गजब में जिएंगे। टेकफूर और नाइमान के साथ मिलकर हम लश्कर जमा करेंगे। टेकफूर ने सुल्तान मसूद के साथ दोस्ती का अहद किया है और नाइमान उसका साथ देगा। हम अपनी फतह खुद अपने हाथों से हासिल करेंगे सुल्तान हजरत। फिर तमाम बागी और सरहदी इलाकों को मजबूत बनाने वाला गद्दार उस्मान ज्यादा जी नहीं सकेगा। और उस्मान की किसी भी औलाद की किस्मत में ना तख्त होगा ना उनका कोई मुस्तकबिल होगा। लेकिन सबसे पहले गद्दारी की सजा मिलेगी। वो बेंगे और आलचचे कबीले के हमले में तो बच गई हैं, लेकिन कराबल उनके पीछे है। जब वो आलचचे को लाएगा, मैं बेंगे और आलचचे का हिसाब खुद अपने हाथों से लूंगी। वालिदा सुल्तान उसे जिंदा चाहती है। सिपाहियों, जाल है, छुप जाओ। सिपाहियों, अलचिचे खातून की हिफाजत करो। चलो हमला करो। रास्ता नहीं, वालिदा सुल्तान इंतजार कर रही हैं। तुम और तुम्हारी वालिदा गद्दारी की कीमत अदा करेंगी। कोई रास्ता नहीं, हथियार डाल दो। गद्दार तुम हो, गद्दार खुद इसमें हान है। तुम और तुम्हारी मां मरोगे। Ah!
वो इस तरफ गई है, वो जख्मी है, दूर नहीं जा सकती वो। चलो मेरा बच्चा। वो चली गई, हम वापस जा रहे हैं, नदी के किनारे से जाएंगे। नहीं है, हम वापस जा रहे हैं। अब वालिदा सुल्तान को क्या कहेंगे?